गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ठीक है। एनी सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ रूल्स डिजाइन टू गवर्न अ कंट्रीज रेजीम इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कोई भी एक सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ रूल्स। कॉन्स्टिट्यूशन एक सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ रूल्स होता है जो किसी भी कंट्री के रेजिम को, किसी भी कंट्री के गवर्नमेंट को गवर्न करने के लिए बनाया जाता है। तो इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है, ठीक है, गवर्न करने के लिए बनाया जाता है, अच्छी बात है, और भी सारी चीज़ें बन सकती हैं, लेकिन इसका कॉन्स्टिट्यूशन का इम्पोर्टेंस क्या होता है। द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुपीरियर टू ऑल लॉज ऑफ द कंट्री। कोई भी कंट्री है उसके, उस कंट्री में जितने भी लॉ होंगे फॉर एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी, ऑल लॉज आर विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बियॉन्ड कॉन्स्टिट्यूशन, बियॉन्ड द प्रोविजन, बियॉन्ड द फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी लॉ नहीं हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन इन्वॉल्व्स पीरियोडिकली चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इमोशन विच आर हाई, ठीक है ना, रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पीपुल, एस्पिरेशन, एक्सपेक्टेशन, इंटरेस्ट एज वेल एज द इमोशन विच आर हाई। कह रहा है क्या कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमेशा जो है चेंजेस होते रहते हैं, किस बेसिस पे, उस कंट्री के, ठीक है ना, जो सिटीजन हैं उनके एस्पिरेशन क्या हैं, यानी कि उनकी जो वो चाहते क्या हैं उस बेसिस पे, ठीक है, उनके एक्सपेक्टेशंस पे, उनका इंटरेस्ट किस तरह का है, ठीक है ना, और उनके इमोशंस किस तरह के हैं, जो इम्पोर्टेंट है इमोशंस उसको ध्यान में रख करके जो है लॉ बनाया जाता है, जो एग्जिस्टिंग लॉ होते हैं उसको बदला भी जाता है। क्यों, कैसे होता है ये, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होते हैं, क्योंकि पब्लिक, आपका पब्लिक चाह जाएगी तो होगा, पब्लिक क्या करते हैं, जो चाहती है अकॉर्डिंग टू देयर मोटिव, अकॉर्डिंग टू देयर व्यूज, एक्सपेक्टेशन, वे लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं, वे रिप्रेजेंटेटिव जाकर के पार्लियामेंट में गवर्नमेंट फॉर्मेशन करते हैं, और फिर वे जो आवश्यक जो चेंजेज हैं, जो रिक्वायर्ड चेंजेज हैं वो करते हैं, ठीक है ना। थर्ड इसका जो इम्पोर्टेंस है वह है क्या, दिस इज, दैट इज द रीजन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉन एज लाइव एंड बेसिक डॉक्यूमेंट, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन को लाइव एंड बेसिक डॉक्यूमेंट कहा जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि वाई, ठीक है ना, यहाँ पे हम क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, क्या, वाई डज कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड लाइव एंड बेसिक डॉक्यूमेंट, ठीक है, इसके जो इम्पोर्टेंस है उस बेसिस पे है, ठीक है। पहला क्या कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है सुपीरियर है ऑल लॉ से, ठीक है, और टाइम टू टाइम, ठीक है ना, पीरियडिकली हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में ऑन द बेसिस ऑफ पीपल्स एस्पिरेशन, एक्सपेक्टेशन, इंटरेस्ट एंड इमोशन हम उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो कॉन्स्टिट्यूशन ये बना कैसे, यहाँ पे पार्टिकुलरली हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे फ्रेम हुआ, ठीक है ना। तो प्रोसेस ऑफ, हम लोग आते हैं प्रोसेस ऑफ फ्रेमिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो बिफोर इंडिपेंडेंस, जब हम लोग ड्यूरिंग आवर फ्रीडम स्ट्रगल ऑन लास्ट स्टेज 25 मार्च 1946 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कैबिनेट कमीशन जो है पास किया, और उस कैबिनेट कमीशन के 3 मेंबर थे, फाइंड सॉल्यूशन, ठीक है ना। 25 मार्च 1946 को ब्रिटिश गवर्नमेंट कैबिनेट मिशन बनाई, जिसमें कि कितने मेंबर थे, 3 मेंबर थे। क्यों बनाया गया, टू फाइंड सॉल्यूशन टू द इंडियाज इंडिपेंडेंस, इंडिया को किस तरह से इंडिपेंडेंट किया जाए, और वहाँ क्या रूल्स होंगे, प्रोसेस कैसे होंगे, गवर्नमेंट का जो है ट्रांसफ़र कैसे किया जाएगा, इन सभी चीज़ों के लिए जो है 3 मेंबर की एक कैबिनेट मिशन बनाया गया, ठीक है। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट मिशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कॉन्स्टिट्यूटेड, ठीक है, किसने किया, कैबिनेट मिशन ने रिकमेंड किया किसके लिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली है
इसी ने जो है क्या किया, यह लोग एक कमिटी बनी, इसमें बहुत सारे मेंबर बने और ये लोग मिल करके जो है कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किए। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में हम लोग जानते हैं क्या है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, क्योंकि आपको शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आएगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एक्सप्लेन करने के लिए क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पहला पॉइंट है क्या कि इसमें कितने मेंबर थे, 385 मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, फ्रॉम डिफरेंट रीजन, ऑल ओवर इंडिया से, और वे इलेक्टेड थे, ठीक है ना। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर थे, सभी मेंबर इलेक्टेड थे, कुछ इलेक्टेड थे डायरेक्ट बाय डायरेक्ट पब्लिक, कुछ जो है रिप्रेजेंटेटिव थे प्रिंसली एस्टेट के, एंड सम जो है रिप्रेजेंटेटिव थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, ठीक है ना। सो डिफरेंट रीजन के थे, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट जेंडर, डिफरेंट सेक्टर्स से थे, सभी सेक्टर, रिच पुअर, जो एजुकेटेड थे, प्रिंस थे, प्रिंसली एस्टेट थे, सबके जो है इसमें रिप्रेजेंटेटिव थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो प्रेसिडेंट बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके जो है प्रेसिडेंट बने, ठीक है ना। एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई, इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो है एक कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी। देखो राजेंद्र प्रसाद जो है पूरे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे, ठीक है ना। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी के अंडर बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप बने थे जो अलग अलग जो है डोमेन पे वर्क करते थे, ठीक है। तो उनमें से एक था ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसका सबसे इम्पोर्टेंट वर्क था, और ये पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर रहे थे, लीगल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे थे, क्या लीगलिटी होगी उसकी, कैसे इसको सपोर्ट किया जाएगा लीगली, क्या प्रोसेस बनेगा, क्या रखना है उस कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या नहीं रखना है, यह काम यह ड्राफ्टिंग कमेटी ही करती थी, ठीक है। तो इसको अपॉइंट किया गया और इसके चेयरमैन बने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेट फॉर 166 सेशन ओवर 2 ईयर, 2 साल में, करीब 2 साल लगे थे इसको, 2 साल, 2 ईयर 11 मंथ 17 डेज टोटल टाइम था, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट इज़ द टाइम ड्यूरेशन ऑफ फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये 2 ईयर 11 मंथ 17 डेज, ऑलमोस्ट 3 ईयर लग गए थे, ठीक है ना। और ड्यूरिंग दिस टाइम 2 ईयर 11 मंथ 17 डेज टोटल 166 सेशन हुए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। सेशन मीन्स मीटिंग हुई थी फॉर डिस्कशन, ठीक है। इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है यह, ठीक है ना, ये जो है इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 395 आर्टिकल्स एंड 12 अपेंडिसेस। उस समय जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, जब कंप्लीट हो गया, तो एट दैट टाइम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स थे, 12 अपेंडिसेस थे, ठीक है, जो कि करेंटली हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन एट प्रेजेंट 448 आर्टिकल है, 25 पार्ट्स है, 8 12 शेड्यूल्स हैं और 5 अपेंडिसेस हैं, ठीक है। ऑन 26 नवंबर 1949 द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज पास्ड इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है ना। 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पास कर दिया गया, यानी एडॉप्ट कर लिया गया, बट हमने उसको इम्प्लीमेंट किया 26 जनवरी 1950 को, और इंडिया बिकेम रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ठीक है ना, एक रिपब्लिकन कंट्री बन गई, और तब से हम लोग जो 26 जनवरी को हम लोग रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है ना। ओके, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव 4 लॉयंस, ठीक है ना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया गया, 4 लॉयंस को जो है एज अ नेशनल एम्बलम उसमें एक्सेप्ट किया गया, और सत्यमेव जयते को जो है स्लोगन एक्सेप्ट किया गया। ये जो 4 लॉयंस है इसको जो है लायन कैपिटल कहा जाता है, ठीक है ना, लायन कैपिटल। और ये कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है सारनाथ, ठीक है, सारनाथ जो वाराणसी में है, वाराणसी में है। यहाँ पे ये जो लायन कैपिटल है इसको लायन पिलर जो है, एक लायन पिलर से लिया गया है, जिसको कि अशोका अशोका ने बनवाया था, मौर्यन किंग अशोका ने बनाया था सारनाथ में, इन मेमोरीज ऑफ गौतम बुद्धा, ठीक है, क्योंकि सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना फर्स्ट सर्मन, रिलीजियस जो प्रीच है, वो सारनाथ में दिया था आफ्टर अटेनिंग इनलाइटमेंट, ठीक है। तो अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट
जो है पार्ट है प्रियम्बल, ठीक है ना। प्रियम्बल क्या है, जब आप हम कॉन्स्टिट्यूशनल बुक पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे, तो उसका पहला ही जो पेज है वह आपको सबसे फर्स्ट मिलेगा हमें पढ़ने को, प्रियम्बल, जो कि हमारे ऑल जो गवर्नमेंट बुक होते हैं, एनसीईआरटी बुक होती हैं, सबके पहले कवर पे दिया रहता है प्रियम्बल क्या है, ठीक है ना। वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, ऐसे सो आपके बुक में दिया हुआ है, वो आप जो भी है उसमें पढ़ सकते हो, टोटल चीज़ क्या क्या उसमें लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो प्रियम्बल क्या है, प्रियम्बल इज द कोर एंड इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसको जो है मिरर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, ओके। यह कोर एंड वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्यों, क्योंकि इसमें, इस प्रियम्बल में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, जो प्रिंसिपल है, जो वैल्यू है, कोर थ्योरी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इसमें जो है लिखा गया है और वो बताया गया है। द वर्ड रिटेन इन प्रियम्बल हाईलाइट द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट्स वाई प्रियम्बल को जो है मिरर भी कहा जाता है, मिरर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये दोनों कहा जाता है। प्रियम्बल रिमेंड अनचेंज टिल 1976, प्रियम्बल जब जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा गया था, प्रियम्बल लिखा गया था, उससे उसके बाद से लेकर के 1976 तक जो है प्रियम्बल में कोई चेंजेस नहीं हुए थे, अनचेंज था। बट इन 1976 जो है गवर्नमेंट ने प्रियम्बल को, प्रियम्बल में कुछ वर्ड ऐड कर दिए थे, लाइक सेकुलर, सोशलिस्ट, यूनिटी, इंटीग्रिटी, ओके। तो अनचेंज था उससे पहले। इसका मतलब क्या हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा प्रियम्बल है उसको भी चेंज किया जा सकता है, उसमें भी मॉडिफिकेशन किया जा सकते हैं, अमेंडमेंट किया जा सकता है, ठीक है ना, प्रियम्बल में भी। प्रियम्बल इज रिमेन अनचेंज टिल 1976। द वर्ड सोशलिस्ट, सेकुलर, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन वेयर एडेड, कब, ये फोर वर्ड सोशलिस्ट, सेकुलर, यूनिटी, इंटीग्रिटी जो है आपको 1976 में प्रियम्बल में ऐड किया गया। द प्रियम्बल रिफ्लेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स साइकी, ठीक है ना, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर थे, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, वो क्या सोचते थे इंडिया के बारे में, कैसा सोचते थे, किस तरह का इंडिया वे लोग बनाना चाहते थे, उनका ड्रीम क्या था, ये सभी हमारे जो है प्रियम्बल में देखने को मिलता है। अब प्रियम्बल का इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हमें यह जो है इसको हमने सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मिरर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और इम्पोर्टेंट इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसको कहा, ठीक है ना, क्यों, बिकॉज टू अंडरस्टैंड द फ्रेमिंग ऑफ एनी लॉ और इट्स इंटरप्रिटेशन, प्रियम्बल गिव्स प्रॉपर गाइडेंस, ठीक है। जो भी हम लॉ इंडिया में अपने पार्लियामेंट में फॉर द बेनिफिट ऑफ इंडियन पीपल, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन पीपल, टू प्रोवाइड वेरी सर्विसेज, जो लॉ हम लोग फ्रेम करते हैं पार्लियामेंट में, लॉ पास करते हैं, वह लॉ जो है इसी कॉन्स्टिट्यूशन से, प्रियम्बल से इंस्पायर्ड होता है। जब कभी भी कोई कन्फ्यूजन होता है तो इस प्रियम्बल के बेसिक जो थ्योरी है, प्रिंसिपल है, उसको स्टडी किया जाता है और उस पे बेस्ड ही लॉ फ्रेम किए जाते हैं, ठीक है। प्रियम्बल सर्व एज अ कंपास, कंपास क्या करता है, हमें एक डायरेक्शन बताता है। इसी तरह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है वह भी हमारे लिए एक कंपास की तरह वर्क करता है, डायरेक्शन बताता है कि हमें किस तरह के लॉ पास करने हैं, हमें इंडिया को किस बेस, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड जो है डेवलपमेंट करना है, ठीक है। सर्व एज अ कंपास टू अंडरस्टैंड द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, प्रियम्बल इज नेशनल, नेशंस यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड इट्स एंड इज द स्टैंडर्ड क्रस्ट ऑफ ब्रदरहुड एमंग सिटीजन, ठीक है ना। क्या है, हमारे सिटीजन, ब्रदर सिटीजन्स की जो ब्रदरहुड है उसको भी मेंटेन रखने के लिए, लाइक उनको आपस में इंटीग्रेट, उनके बीच यूनिटी बनी रहे, ठीक है, इंटीग्रिटी बनी रहे, वो आपस में मिलजुल करके रहें, ये सब भी जो है क्या करता है, हमारा प्रियम्बल ही बताता है। तो प्रियम्बल के पिलर्स क्या हैं, क्योंकि प्रियम्बल में कुछ वर्ड मेंशन है, लाइक जस्टिस, सोशल इक्वलिटी, सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है ना,
उसके बाद इक्वलिटी, इकोनॉमिक इक्वलिटी, पॉलिटिकल इक्वलिटी, ये सभी तरह के जो वर्ड हैं वहाँ पे मेंशन है, सोशलिस्ट, सेकुलर, यूनिटी, इंटीग्रिटी, तो इन सब, ये सभी उसके प्रियम्बल्स के पिलर कहे जाते हैं। और इन पिलर्स को वन बाय वन हम लोग जो है स्टडी करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो पहला पिलर्स है, ठीक है ना, डेमोक्रेसी। इंडिया एक जो है डेमोक्रेटिक कंट्री है, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है इंडिया की, ठीक है ना। डेमोक्रेसी इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड डेमोस, डेमोस मीन्स पीपल एंड क्रेटोस मीन्स पावर, ठीक है, द पावर ऑफ पीपल। डेमोक्रेसी मीन्स द पावर ऑफ पीपल, बट हम लोग जानते हैं डेफिनेशन क्या है, ठीक है, वैसा रूल्स जिसमें पीपल्स अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं और वे लोग गवर्नमेंट फॉर्मेशन करते हैं, एंड पीपल आर गवर्न बाई देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव, दिस सिस्टम इज नॉन एज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सिस्टम, ठीक है ना। सो वही है, यहाँ भी क्या है, पीपल्स का ही पावर है, क्योंकि पीपल जिसको, जो गवर्नमेंट फॉर्म करता है उसे इलेक्ट कौन करता है, पब्लिक ही करती है। डेमोक्रेटिक स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इज सच एन अरेंजमेंट इन विच देयर इज इक्वल जस्टिस फॉर पीपल टू सोशल, इकोनॉमिकल एंड पोलिटिकल हैविंग इक्वल राइट ऑफ पार्टिसिपेशन। जो भी हमारे सोसाइटी के जो भी लोग हैं, इंडियन सिटीजन हैं, ये सभी लोग जिस तरह का डेमोक्रेटिक एक्टिविटी होता है, चाहे वो इलेक्शन हो, प्रोटेस्ट हो, पार्टिसिपेशन, सभी सिटीजन जो है इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं ऑल काइंड ऑफ एक्टिविटी में, ठीक है ना। इन इंडिया पीपल इलेक्ट देयर लीडर्स, ठीक है, क्या करते हैं, पीपल जो है अपने लीडर्स को इलेक्ट करते हैं थ्रू देयर चॉइस बाय कास्टिंग वोट। एग्जीक्यूटिव डू नॉट हैव एब्सोल्यूट पावर, जो एग्जीक्यूटिव होता है, एग्जीक्यूटिव मतलब लाइक प्रेसिडेंट, ठीक है ना, एग्जीक्यूटिव जो अथॉरिटी होती है, जैसे प्रेसिडेंट, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद गवर्नर हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो होते हैं, ये सभी एग्जीक्यूटिव होते हैं। तो इंडिया में जो है जो एग्जीक्यूटिव होते हैं उनके पास अब्सोल्यूट पावर नहीं होता, अब्सोल्यूट पावर मीन्स किसी तरह के निर्णय लेने का, डिसीजन लेने का उनके पास पावर जो है नहीं होता है। हमारे यहाँ डिसीजन कौन लेता है, लेजिस्लेटिव, पार्लियामेंट, जो हाउस है, दो हाउस, लोकसभा एंड राज्यसभा, एंड ऑन स्टेट लेवल, ठीक है, कौन, जो आपको लेजिस्लेटिव असेंबली है वो डिसीजन लेती है, जो प्रेसिडेंट हैं और गवर्नर हैं इन रेस्पेक्टिव डोमेन वे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। वोटर्स इलेक्ट स्टेट एंड लोकल लेवल गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी मीन्स बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। डेमोक्रेसी का मतलब होता है क्या, जनता के लिए, जनता द्वारा और जनता से, ठीक है, जनता के लिए और जनता द्वारा जो है जो शासन है, ठीक है ना। तो ये है डेमोक्रेसी। कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट, ठीक है ना। कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर क्या होते हैं, जब गवर्नमेंट फॉर्मेशन होता है तो उसमें कुछ जो है सम लीडर्स जो मेंबर होते हैं वो गवर्नमेंट के पार्ट होते हैं, उसमें वेरियस मिनिस्ट्रीज होती हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर, ठीक है ना, डिप्टी मिनिस्टर होते हैं। तो इन्हें जो है, जो इनकी कैबिनेट है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द पार्लियामेंट, ओके। इच इलेक्टेड गवर्नमेंट हैज़ 5 ईयर ऑफ टेन्योर, यानी हमारे जो जितने भी मेंबर होते हैं, जो गवर्नमेंट का टेन्योर होता है वो 5 ईयर का होता है, स्पेशली अगर हम पार्लियामेंट की बात करें तो उसमें जो लोकसभा है, लोकसभा का जो टेन्योर होता है, टाइम पीरियड होता है, 5 ईयर का, 5 ईयर का होता है, ठीक है। और जो राज्यसभा है वो 6 ईयर का होता है, बट राज्यसभा कभी भी एब्जॉल्व नहीं होता है, ठीक है ना, राज्यसभा कभी भी जो है उसको एब्जॉल्व नहीं किया जाता है, वो परमानेंट हाउस है, ठीक है, जब भी किया जाता है, जो इलेक्शन होता है हमेशा लोकसभा का होता है गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए, इसीलिए जो गवर्नमेंट का टेन्यूर है वो कितना है, 5 ईयर है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फीलिंग ऑफ फ्रेटर्निटी एंड कंटिन्यूसली वर्क टू अचीव दिस गोल। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होते हैं वो जो है लिबर्टी, इक्वलिटी और फीलिंग ऑफ फ्रेटर्निटी, ठीक है ना, फ्रेटर ब्रदरहुड, इन सब हमारी कंट्री में जो है इक्वलिटी बना रहे, ऑल सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी आर इक्वल, ठीक है, सबको इक्वल राइट हो, इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटी मिले, इस तरह के जो सिस्टम पे, पॉलिसी पे जो इलेक्टेड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो वर्क करती है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डेमोक्रेटिक इंडिया रेंडर्स फंडामेंटल राइट, ठीक है ना,
क्या करती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, वो क्या करता है, इंडियन सिटीजन को फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करता है, प्रिंसिपल फॉर पॉलिटिकल डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ असेंबली, इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल जस्टिस एंड इलेक्शन कमीशन आर दोज प्रोविजन विच मेक आवर कंट्री डेमोक्रेटिक। कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो इंडिया को डेमोक्रेटिक, तो कौन कौन सी चीज़ हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है जो इंडिया को एक डेमोक्रेटिक नेशन बनाते हैं, वह है फंडामेंटल राइट टू सिटीजन, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल डायरेक्शंस, पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ असेंबली, चाहे वो पार्लियामेंट के मेंबर हों या लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर हों, राज्यसभा के मेंबर हों या लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर हों, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल जुडिशियल सिस्टम, ठीक है, इलेक्शन कमीशन, ये सभी जो एलिमेंट हैं वो इंडिया को एक जो है डेमोक्रेटिक नेशन जो है बनाते हैं, डेमोक्रेटिक यहाँ पे रूल एस्टेब्लिश होता है, ठीक है। एडल्ट सफ्रेज एक और डेमोक्रेटिक सिस्टम का इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, वह है क्या, एडल्ट सफ्रेज मींस जो भी पर्सन जिसका एज 18 ईयर प्लस है वो क्या कर सकते हैं, उनको जो है नेचुरली वोटिंग राइट जो है मिल जाता है और वो सम फॉर्मल एक्टिविटी फॉलो करके जो है वो फिर इलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वोट अपना कास्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो एडल्ट सफ्रेज मीन्स द सिटीजन अबव 18 ईयर ऑफ एज कैन कास्ट हिज या हर वोट टू वंस चॉइस ऑफ लीडर, ठीक है, जिसको भी वो चाहे कर सकते हैं, बट इट इज इसेंशियल दैट सिटीजन आर इनलिस्टेड इन इलेक्टोरल लिस्ट। आप 18 ईयर के हो, आपको वोट देने का राइट मिल जाता है, लेकिन उसके लिए जैसे मैंने कुछ फॉर्मेलिटी होती हैं, सबसे पहले आपको इंडिया के इलेक्टोरल लिस्ट में जो है अपना नाम मेंशन करना होगा, वहाँ से आपको कुछ प्रूफ मिलेंगी, आईडी कार्ड, वोटर आईडी कार्ड मिलता है, और फिर उसको यूज़ करके आप जो है क्या करोगे, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करोगे, अपने चॉइस के कैंडिडेट को आप वोट कास्ट कर सकते हो, ओके। दूसरा जो पिलर है वह है सोशलिस्टिक, सोशलिस्टिक पिलर, ठीक है ना, यह भी वर्ड है हमारे प्रीएम्बल में मेंशन, द वर्ड सोशलिस्ट एडेड टू कॉन्स्टिट्यूशन इन 42nd अमेंडमेंट इन 1976, जैसा कि फोर वर्ड ऐड किए थे, सेकुलर, सोशलिस्ट, यूनिटी, इंटीग्रिटी, 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया और उसमें यह वर्ड जो है ऐड किया गया प्रीएम्बल में। मोस्ट ऑफ द प्रोविजन्स लो शोज सोशल रिवोल्यूशन विच ब्रॉट सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी एंड एम टू वेलफेयर स्टेट। इसका मतलब कि इंडिया को जो है एक वेलफेयर स्टेट में एस्टेब्लिश करने के लिए ऐसा किया गया। वेलफेयर स्टेट मीन्स यहाँ पे गवर्नमेंट जो है क्या करेगी, बहुत सारी चीज़ों को गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, रिसोर्सेज को, और उसे जो है अमॉन्ग पब्लिक अपने सिटीजन को इक्वली जो है डिस्ट्रीब्यूट करेगी, प्रोवाइड करेगी, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ सोशलिस्टिक पैटर्न डायरेक्ट सोशल, इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल इक्वलिटी फॉर सिटीजन। एनी वन पार्टिकुलर पर्सन शुड नॉट हैव पावर ओवर ऑल एसेट। गवर्नमेंट सोशलिस्टिक का मतलब कोई एक पार्टिकुलर पर्सन के पास सभी एसेट्स के पावर नहीं होने चाहिए। इंस्टीड एवरी वन शुड हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी बाई गेटिंग फैसिलिटीज एंड प्रोविजन फ्रॉम सोसाइटी, देयर बाई एलिमिनेटिंग द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ रिच एंड पुअर। जो सोशलिस्टिक वर्ड ऐड किया गया, इसका मेन प्रिंसिपल क्या था कि जो रिच एंड पुअर का जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको एलिमिनेट करने का। क्यों? क्योंकि जो सिंगल पर्सन ऑल रिसोर्सेज, ऑल एसेट को कंट्रोल नहीं करना चाहिए, अगर वो ऐसा करेगा तो वह वेरी रिच बन जाएगा और हमारे यहाँ जो है इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हो जाएगी। इसके वजह से गवर्नमेंट ने क्या किया कि सभी को वो राइट दिया सोशलिस्टिक सिस्टम को पास कर, कि जो भी है सोसाइटी में सबका जो है रिसोर्स पे, एसेट पे इक्वल राइट होगा, ठीक है। तो इन दो वर्ड के बारे में हम लोग पढ़ें, जो नेक्स्ट और टॉपिक है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ओके। थैंक यू।